अगर किसी को बर्गमैन स्कूटर लेनी है तो ले सकता है, 600-700 किलोमीटर इजीली चल जाती है। मैं सच बताता हूँ, गोवा जा रहा हूँ, आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। संजय जी, थैंक यू सो मच, आप दिल्ली से आए पहली चीज़, और आप मेरे साथ राइड कर रहे हो। सच में आपको देख के मेरा दिल है ना खुश हो रहा है, बिकॉज गुड मॉर्निंग गाइस, गोवा की ट्रिप जा रहे हैं। थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही जा रहेगा, बट राइडर की एक दुख भरी दास्ता बताओ। वो लेट सोता है और जल्दी उठता है। मैं रात को 2 बजे सोया हूँ और अभी पीछे घड़ी में 6 बजने वाले हैं। समझो 6 बजे ही उठा, यानी 3, 4, 5, 6, 4 घंटा ही सिर्फ सोया हूँ। क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है दिल्ली से आए थे, संजय जी नाम है, मुंबई सेंट्रल गया था, उनको पिकअप किया, हमारा गोप्रो खराब हुआ था उसको ठीक करा, फिर उनका होटल में रहने का रात का इंतजाम किया, फिर घर पे आ वीडियो एडिट किया, देन पैकिंग की। और पैकिंग में भी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैं बता दूं गोवा जा रहे हैं तो ये देखो पैकिंग पूरी कर ली, सिर्फ एक ये बैग में आ गया पूरा सामान। बट आई एम अ व्लॉगर तो पूरे गैजेट्स देखो यहाँ पे लगे पड़े, विटामिन की टेबलेट, ड्रोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगा हुआ है, देन जूते कौन से लेके जाऊँ राइडिंग के लिए, ये कैजुअल शूज वहाँ पे और ये चप्पल, तो ये सब कंफ्यूजन है। रेन कवर ले रहा हूँ जिसकी वजह से हमारे गैजेट्स और ये कपड़े गीले ना हो, राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट और अंदर पहनने के लिए ये कपड़े। तो ये रहती है व्लॉगिंग और राइडर की कहानी। तो फिर भी मैं बोलूंगा कि राइडर के लिए लगेज ना जो कपड़े खरीदना वो इजी हो जाता है, बिकॉज क्या होता है कि ट्रैवलिंग के वक्त वो अपने राइडिंग गियर ही पहनता है, जहाँ पे होल्ड करता है वहाँ पे सिर्फ कपड़े बदलता है। तो इसके लिए मेरा लगेज कम है, बट आई एम अ ब्लॉगर तो गैजेट्स ज़्यादा, जैसे DSLR, माइक, गोप्रो, ड्रोन, उसके एक्स्ट्रा बैटरीज, चार्जिंग, पावर बैंक, बहुत सारा है, अभी क्या क्या बताऊँ। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि राइडिंग स्टार्ट करनी है इसके लिए सुबह मैं अभी नहा धो लेता हूँ, बियर्ड ट्रिम कर लेता हूँ, नखून काट लेता हूँ, ये सब काम कर लेता हूँ, बाद में आप लोगों से मिलता हूँ। वरना बोलते ना व्लॉगिंग के चक्कर में मैं लेट हो जाऊँगा, और मुझे नहीं चाहिए कि मैं लेट हो जाऊँ। व्लॉग में एंड तक बने रहना, अपने बर्मन स्कूटर पे जा रहे हैं, शायद बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना, वहाँ पर मैं करंट स्टोरी अपलोड करते रहता हूँ और फोटोज अपलोड करते रहता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा गोवा में कहाँ पे ठहरा हूँ, कौन से रूट से जा रहा हूँ, एवरीथिंग यू विल नो। मैंने राइडिंग गियर पहन लिया, पैकिंग वैकिंग सब कर ली, और भाई मैं बाइक लेके निकल गया। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि सुबह सुबह बहुत भागम दौड़ी होती है, और यहाँ पे देखो एक संजय कुमार जी राइडर जो दिल्ली से आए हुए रेडी है। चलो संजय जी, यहाँ पे हॉल्ट नहीं करेंगे हम लोग, हॉल्ट करते हैं सीधा फाउंटेन पे, चलो मेरे पीछे जल्दी। तो हम लोग चलते हैं सीधा फाउंटेन में, वहाँ पे मीटअप है, मीटअप बोले तो जो भी 8 राइडर आ रहे हैं एक साथ में रहेंगे, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। मेरे पीछे भी एक एज ए पिलियन है, बट वो मेरी बाइक पे नहीं, किसी और की बाइक में आने वाले। हमारे ग्रुप में 8 मेंबर्स है, उसमें से 350+ है। एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, राइड करने में मज़ा आएगी, जहाँ पे जा रहे व्यू भी अच्छा है, गोवा का नाम लिया तो समझ जाओ, खाली इतना है कि ट्रैफिक ना मिले और गर्मी ना मिले, बस बाकी सब चलेगा। खाना लेट भी मिलेगा तो भी चलेगा, टॉयलेट बाथरूम का एडजस्ट कर लेंगे। लेट्स सी आगे जर्नी में क्या हो रहा है, क्योंकि राइड पर निकलते बहुत सारी तकलीफें तो आती रहती है। इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो यार देखो मैंने कितनी तकलीफें झेली थी, गोप्रो ख़राब हो गया था, स्पाइक ख़राब हो गया है, देन बहुत सारा और भी कुछ है यार, वीडियो में देख लो सब। सुबह सुबह कहाँ आपको बता दे बेटू, मैं निकलता हूँ फाउंटेन। यार आप लोगों को क्या अपडेट दूँ, अभी बज चुके हैं 9 और अभी तक मैं हूँ अभी एरोली में। एक्चुअली मुझे होना चाहिए था लोनावाला रोड पे, मतलब लोनावाला नहीं पहुँचता बट लोनावाला रोड पे रहता। अरे भाई बाइक्स वाले क्या चला रहा है, ऐसे लोग भी मिलते हैं। और दूसरा हमारे जो राइडिंग ग्रुप वाले यार, वो लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया इसकी वजह से यहाँ पे, वरना अभी। बट आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, एरोली वाले रोड पे हूँ, 9 बज चुके हैं, ट्रैफिक जमा हो चुकी है और मेरे दिमाग का लोचा हो चुका है, जैसे मैंने बताया कन्फ्यूजन क्रिएट किया उसकी वजह से आधा पेट्रोल मेरा डूब गया एंड टाइम भी गया। सुबह से जैसे मैंने बताया 7 बजे मैं निकला हूँ यार, अभी मैंने पनवेल क्रॉस कर देना चाहिए था और लोनावाला रोड पे होना चाहिए था, बट क्या करें। तो अभी मैं पहले फटफट अपने दोस्तों से मिलता हूँ, वो पनवेल में इंतज़ार कर रहे हैं। अरे वो संजय भाई को फ़ोन करो यार, वापस वो ऊपर चढ़ जाएंगे तो वो तकलीफ़ हो जाएगी। पीछे ही है ना, हाँ तो ठीक है। ये संजय जी जो दिल्ली से आए मेरे साथ राइड कर रहे हैं गोवा के लिए, तो इनका हैड्स ऑफ है, बिकॉज ऑफ हैड्स ऑफ इसलिए कि भाई दिल्ली से आए गोवा के लिए राइड, वो भी स्पेशली मेरे लिए, तो मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा उनको। बाकी भी 6-7 राइडर है,
जो आगे दो जने पीछे दो जने और मैं बीच में ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ और मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। अभी ब्रेकफास्ट बनता है तो एक हॉल्ट लेंगे क्योंकि 10 बज चुका है यार, खाना खाने का मन हो रहा है, भूख लगी है। अभी पहचाना लोनावाला जाते वक्त मैं आया था, जब मैं लोनावाला जा रहा था ना तब तेरे से मिला था मैं, तेरे साथ तो तेरा छोटा भाई भी था। क्या है, डोसा तो खत्म ही हो गया रहेगा, इडली रहेगा है ना? अरे डोसा दे फिर मेरे को सांभर और चटनी के साथ, में खा लेता हूँ भाई। ये अपनी गाड़ी, ये अपनी बाइक, मोबाइल निकालता हूँ अभी यहाँ से मैं। संजय जी थैंक यू सो मच, आप दिल्ली से आए पहली चीज़ और आप मेरे साथ राइड कर रहे हो। सच में आपको देख के मेरा दिल है ना खुश हो रहा है, बिकॉज बाकी सबको देखा आपने राइडिंग गेयर पहना है, शूज़ पहना है, ग्लव्स है, हेलमेट वैसा है, ये अपना क्या बोलते हैं इंटरकॉम लगाया, सैडल बैग लगाया, देख के दिल खुश हो रहा है कि मैं राइड कर रहा हूँ अच्छा खासा। आपको आपको भी सिर्फ मुझे ही देख के लग रहा रहेगा है ना? एक काम करो, आप पहले मुझे अच्छे नाश्ता कराओ। आओ ना यहाँ पे गाड़ी, मोबाइल मोबाइल ले लो वैल्यूएबल चीज़ और आ जाओ अंदर खा लेते हैं। फर्स्ट राइडर इडली डोसा, सेकंड राइडर इडली डोसा, थर्ड राइडर इडली डोसा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब आते जा रहे हैं, सब इडली डोसा खाने वाले। ब्रेकफास्ट कर लिया, चश्मे बदल दिए, ये धूप ना कड़क बढ़ चुकी है इसके लिए मैंने चश्मे बदले और अपना ग्लव्स भी पहन लिया, बिकॉज वो तेरा स्किन टैन हो जाएगी इसके लिए। वो लोगों को समझा दिया कि दो जन आगे रहेंगे, दो जन पीछे रहेंगे, उसके बीच में सब लोग रहेंगे। जो आगे है जैसे मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है साथ में ज्ञानेश्वर, उसके आगे कोई नहीं जाएगा, पीछे रोहित और एक प्रशांत भाई है, उनके पीछे कोई नहीं रहेगा। मतलब बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बने रहे। अभी तो फिलहाल हम लोग लोनावाला के रास्ते पे ही है, मतलब लोनावाला भी पहुँचने को ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा। यहाँ पे ना एक टूटा हुआ प्लेन है तो शायद मैं सोच रहा हूँ उसको वीडियो शूट करूँगा और फोटोग्राफी करूँगा तो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगा, तो इंस्टाग्राम पे जरूर, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना कि अपलोड में वहाँ पे करने वाला हूँ फोटो। और यहाँ पे ये रास्ता इतना स्मूथ होने की वजह से थोड़ा गाड़ी चलाने में मज़ा आ रही है। और पता है ना अपना मोटो व्लॉग नहीं चल रहा था, बट अच्छा हुआ मोटो व्लॉग चलना स्टार्ट हुआ, तो मोटो व्लॉग करने में भी मज़ा आ रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे साथ एक्टिवा है, देन एवेंजर है, पैशन है और बर्गमैन है। मैं बताता हूँ बर्गमैन बर्गमैन सबसे आगे चल रही है 90 की स्पीड में, अच्छी खासी मेंटेन करके हम लोग चल रहे हैं ये रोड पे। अगर कोई लोनावाला गया है पुणे एक्सप्रेस हाईवे वाला, मतलब नॉट कार वाला जो बाइक वाला है वो, तो आपको पता रहेगा कि रास्ता कैसा है। तो मैं ना ज़बरदस्त 90 की स्पीड में चला रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो पूरा लग रहा है राइडिंग लुक, मेरा भी सेम है, पीछे लगेज है, राइडिंग गेयर पूरे पहने हैं, ग्लव्स है, चश्मे वश्मे। बोले ना मैं बाइक चला रहा ना, लोग देखते जा रहे हो और पूछते भी जा रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, किधर से आए हो। स्पेशली तो संजय भाई को पूछ रहे क्योंकि हरियाणा की गाड़ी है, तो पूछ रहे कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तो बोलते हैं मानना पड़ेगा यार, स्कूटर पे इतनी लंबी राइडिंग कर रहे हो तो अगर किसी को बर्गमैन स्कूटर लेनी है तो ले सकता है, 600-700 किलोमीटर इजीली चल जाती है। मैं सच बताता हूँ, गोवा जा रहा हूँ आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जैसे पर डे में 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलाई थी, बट अभी सीधा मतलब मैं बोलना चाहूँगा रात को हम लोग होल्ट लेने वाले, कंटिन्यू नहीं चलाने वाले, बट मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा ये लॉन्ग ड्राइव के लिए बनी है। जैसे यहाँ पे देखो ये पूरा व्लॉगिंग कैमरा गियर है ना नीचे रखा हुआ है, पीछे लगेज रखा हुआ है, बंजी कॉर्ड बांधा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, चलाने में भी मज़ा आ रही है। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि एक साइड गाड़ी जा रही है या फिर बोलते ना कि बैग हिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मज़ा आ रही है। अगर किसी को वीडियो चाहिए कि मैंने जो बैग लगाई वो बंजी कॉर्ड से कैसे फिट की है तो मेरे को ना कमेंट में बताना, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों की हेल्प हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और अभी थोड़ी देर में हम लोग लोनावाला पहुँचेंगे तो सीधा मैं मिलता हूँ लोनावाला के करीब। लोनावाला का स्टार्ट होता तो मैंने सोचा यार वीडियो बनाएंगे, मतलब एज अ पिलियन जो भी आया ना यार हम ला रहा मोबाइल से या गोप्रो से वीडियो बनाएगा, बट वो मौका भी नहीं है। बताओ क्यों? ये उसका टायर पंचर हो चुका है तो पीछे बहुत है। मतलब जान दे भाई तू आएगा, आधा पौना घंटा लगेगा, उतनी देर में तो मैं घाट भी क्रॉस कर दूंगा, ऊपर खड़े रह जाऊंगा। कैसा ना ये मुझे अपने आप को है ना वीडियो में देखने में मज़ा आती है, बट बोलते ना जैसे गोप्रो है या कुछ भी है और बाइक बोलते ना प्रॉपर चलानी चाहिए, कीड़े कांडी नहीं करनी चाहिए, वरना बोलते ना कि इंसिडेंट हो सकता है, तो मुझे वैसा कुछ चाहिए नहीं। इसके लिए बोलते ना ऐसा मोबाइल लेके मैं कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, गाड़ी प्रॉपर चला रहा हूँ, बट बोलते ना अपना खुद का शूट नहीं आता, जैसे अपनी बाइक, जो राइडिंग गियर पहना है मैंने, पीछे अपना, अरे ये क्या गिर गए, हाँ उठा लेगी ये लोग, टेंशन नहीं है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, अरे भूल गया, देखो कुत्तो बोल रहा था वो गिर गए बोला तो,
हाँ बट ये बता दूँ यार, वीडियो नहीं बन पा रही है यार, मेरे को बुरा लग रहा है कि मैं अपने आप को वीडियो में नहीं दिखवा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ यार, मस्त दिख रहा हूँ, राइडिंग गियर, बाइक, पीछे टेल बैग लगाई है, बंजी कॉर्ड बांधा हुआ है, मोबाइल ऐसा है, बोलते ना यार देखने में मजा आती है अपने आप को, क्या ऐसे राइडिंग कर रहे हैं। ये लोनावाला का घाट है, तो घाट क्रॉस करने के बाद ऊपर है ना एक ब्रिज है लोनावाला का, वहाँ पे सीधा बाइक खड़ी करूँगा और ये लोग का इंतज़ार करूँगा कि टायर पंचर हो गया तो बना के आ जाए, तो घाट है ना मैं क्रॉस कर देता हूँ।